ना खोया ना पनीर ना कोई मिल्क पाउडर, इसको मैंने सिर्फ एक गिलास दूध से बनाया है। तो देखिए बनके कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस बनके रेडी हुई है फ्रेंड्स ये। तो आप इसको फटाफट से बनाइए, बहुत टेस्टी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले डिजर्ट है, ना केक ना मिठाई। और गर्मियों के मौसम में इसको खाइए और ठंडक का एहसास लीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है 1 लीटर दूध और हम इसको चलाते हुए इसके अंदर एक उबाल लाएंगे। तो देखिए दूध के अंदर एक अच्छा उबाल आ गया है। अभी हम इसको 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे, जिससे हमारा दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। और जो साइडों में से ही है ऐसे, इसको भी ऐसे मिक्स करते हुए दूध के अंदर ही मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी यहाँ पे फ्लेम को हम कर देंगे लो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दूध और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने वनीला फ्लेवर का लिया है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं है। और अब हम इसको इस दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि कोई गुठलियाँ इसके अंदर ना रहे। और इसको ऐसे डालेंगे और ऐसे मिक्स कर लेंगे। और जैसे आप इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालोगे तो ये थोड़ा देखिए थिक होता चला जाएगा। और इसको हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। तो यहाँ इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 4 चम्मच चीनी। और चीनी को भी हम इसके साथ मिक्स करते हुए अच्छे से घोल लेंगे। तो इसमें चीनी भी अच्छे से घुल गई है और हमारा दूध भी देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा और पका लेंगे बस। तो देखिए दूध अच्छे से बन गया है। अब इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बादाम कट करके डाल दिए हैं। और अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। और अभी इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पे ली है ब्रेड। और ब्रेड में क्या करेंगे, जो ये ब्राउन वाला पोर्शन है हम इसको कट कर लेंगे, हमें सिर्फ व्हाइट वाले पोर्शन की यूज़ करना है। इसको हम हल्का हल्का यहाँ से कट कर लेते हैं और सारी ब्रेड को ऐसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड ऐसे बना के रेडी कर लिया है। और जो ये ब्रेड का ब्राउन वाला पोर्शन निकला है हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसके ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध और इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच चीनी। और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से चीनी को घोल लेते हैं इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं उसको ऐसे प्लेट के ऊपर लगा दिया है। अभी जो हमने दूध में चीनी डाल के रखा था वो हम इस पर हल्का हल्का ऐसे लगाएंगे ब्रेड के ऊपर, जिससे कि ब्रेड ये दूध है अच्छे से सोख ले। इसको पूरा अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी ब्रेड है वो थोड़ी मीठी हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छे से इसको इसके ऊपर डालेंगे। तो सारी ब्रेड पे ऐसे हम इसको पहले फैला लेते हैं दूध को। तो देखिए मैंने दूध अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया है। अब जो हमने कस्टर्ड वाला दूध बनाया है वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। चारों तरफ हम अच्छे से इसके ऊपर भी इसको फैला देंगे। तो देखिए मैंने एक लेयर इसके ऊपर लगा दी है कस्टर्ड वाले दूध की। अब हम वापस से एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और वापस से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। और वापस से हम ये मीठे वाला दूध इस ब्रेड के ऊपर डालेंगे। और फिर से ये कस्टर्ड वाला दूध इसके ऊपर डालेंगे।
देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेड की दो लेयर लगाई है, अगर आप तीन भी लगाना चाहते हैं तो तीन लगा ले, मैंने यहाँ पे दो ही लगाई है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से, मैंने यहाँ पे बादाम कट किए वो इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। आप चाहे अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर कट करके डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर डाल रही हूँ बादाम कट करके। और अभी हम इसको सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तब तक ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो चलिए अभी हम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डिजर्ट को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो देखिए कितनी डिलीशियस बनी है, कट कर लिया है। और ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना सुपर बन के रेडी हुई है फ्रेंड्स। ये एकदम बढ़िया वाली गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी डिजर्ट खाइए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।